नमस्ते, मैं भारती। मेरे भारत के किचन में आज आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं बच्चों के फेवरेट वेजिटेबल मैक्रोनी पास्ता की रेसिपी। तो आइए ये रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं मैक्रोनी वेजिटेबल पास्ता बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। मैक्रोनी पास्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप जितनी मैक्रोनी ले ली है, 1 बारीक काट के टमाटर लिया है, आधा यहाँ पे मैंने कैप्सिकम को बड़े टुकड़ों में काट लिया है, बारीक काट कर 1 प्याज ले ली है, आधा चम्मच यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट ले ली है, आधा कप यहाँ पे मैंने कॉर्न लिया है, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने ओरिगिनो लिया है, आधा छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स लिया है, नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार, आधा चम्मच यहाँ पे मैंने सेजवान सॉस ले ली है, 1 चम्मच यहाँ पे मैंने मायोनीस लिया है। तो चलिए वेजिटेबल मैक्रोनी पास्ता बनाना शुरू करते हैं। अब पास्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पतीली ले ली है। सबसे पहले इसमें 2 गिलास जितना पानी डाल देंगे। अब गैस को ऑन कर लेंगे, जो हमने पास्ता लिए थे वो इस पतीली में डाल देंगे। अब पास्ता में 1 चम्मच जितना ऑयल भी डाल देंगे। ऑयल डालने से हमारे पास्ता चिपकेंगे नहीं और अच्छे बनेंगे। ऑयल के साथ पास्ता को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब पास्ता को हम 2 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लेंगे। दो मिनट यहाँ पर हो चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारी मैक्रोनी अच्छे से बॉईल हो चुकी है। अब मैक्रोनी को हम छन्नी में डाल के जो एक्स्ट्रा पानी है मैक्रोनी का निकाल देंगे और इसे अच्छे पानी से धो लेंगे। मैंने यहाँ पे 1 बार मैक्रोनी को अच्छे पानी से धो लिया है। तो चलिए मैक्रोनी पास्ता बनाना शुरू करते हैं। वेजिटेबल मैक्रोनी पास्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने गैस ऑन करके पैन रख दिया है। सबसे पहले पैन में 2 चम्मच जितना ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे। सबसे पहले लहसुन अदरक की पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे, थोड़े से कॉर्न डाल देंगे। अब इसमें शिमला मिर्च और टमाटर भी डाल देंगे। सारी सब्जियां यहाँ पर मैंने डाल दी। अब इसे हम 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि सब्जियों में से कच्चापन निकल जाए। सारी सब्जियों को यहाँ पर मैंने अच्छे से पका लिया है। अब सब्जियों को ओवर कुक नहीं करना है, बस इतना ही पका लेना है। अब सबसे पहले इसमें ओरिगिनो डाल देंगे, इसके बाद हम चिली फ्लेक्स भी डाल देंगे, आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसमें 1/2 चम्मच सेजवान सॉस भी डाल देंगे। अब इसमें 1 चम्मच जितनी मायोनीज भी डाल देंगे, आप चाहें तो चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लास्ट में इसमें थोड़ा सा फ्रेश धनिया भी डाल देंगे, नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे। अब सारे मसालों को हम 1 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। मसालों को भी यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो मसाले भी हमारे अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें 1/2 चम्मच जितना बटर डाल देंगे। बटर डालने से पास्ता का टेस्ट और बढ़ जाता है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बटर मिक्स करने के बाद जो हमने पास्ता को बॉईल करके रखा था वो डाल देंगे। अब सारे पास्ता को हम सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पास्ता को यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारे पास्ता बनकर तैयार है। तो गैस को ऑफ कर लेंगे और इसे सर्व कर लेंगे।
फटाफट से बनने वाले बहुत ही टेस्टी वेजिटेबल मैक्रोनी पास्ता बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो भारत भारती किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।